अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आपकी पोएम नंबर 5 जो है उसका नाम है ल्यूसी गिरे। उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। 10 ईयर्स को कराची बोर्ड्स के 10 ईयर्स को मैंने फॉलो किया है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा, ये पोएम है, पोएम नंबर क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द पोएम ल्यूसी गिरे। ल्यूसी गिरे पोएम किसने लिखी है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और सेंट्रल आइडिया इसका क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ रोट द पोएम ल्यूसी ग्रे। ल्यूसी ग्रे को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ही वॉज द पोइट ऑफ द नेचर, वो फिर कुदरत के शायर थे, नेचर के शायर थे। इन दस पोएम द पोइट बिलीव्स, इस शायर पोएम में, नज़म में शायर जो है यकीन कर रहा है दैट ल्यूसी ग्रे सोल बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेचर। ल्यूसी ग्रे की जो रूह है, मर गई है उसकी आफ्टर हर डेथ, वो नेचर से मिल गई है। हर सोल स्टिल हॉन्ट्स द हिल एंड सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग टू गाइड्स द पीपल इन स्टॉमी नाइट्स। जब तूफानी नाइट्स आती है, अभी भी जिस एरिया में ल्यूसी ग्रे रहती थी, अभी भी वो वहाँ पे, मतलब उसकी जो रूह है वो वहाँ पे मौजूद है, और वो बताती रहती है लोगों को कि भाई कहाँ जाना है आपको और तूफान से कैसे बचना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, वाई इज ल्यूसी ग्रे बिलीव टू बी अ लिविंग चाइल्ड इवन आफ्टर हर डेथ। ये 2019 में भी आया है, 2016 में भी आया है। ल्यूसी ग्रे, ये क्यों यकीन किया जा रहा है कि मौत के बाद भी ल्यूसी ग्रे जिंदा है अभी? अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द पोइट ऑफ द पोइम ल्यूसी ग्रे। ल्यूसी ग्रे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ही वॉज द एडोरर ऑफ नेचर, वो नेचर को पूजा करने वाला था। इन दिस पोइम, इस पोइम में ल्यूसी ग्रे इज बिलीव टू बी अ लिविंग चाइल्ड इवन आफ्टर हर डेथ। इस पोएम में ल्यूसी ग्रे को अभी भी जिंदा बच्चा समझा जाता है उनकी मौत के बाद भी। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक ल्यूसी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ नेचर, ल्यूसी कुदरत का हिस्सा बन चुकी है। द सोल हैज़ मिंगल विद द नेचर, उनकी रूह जो है वो नेचर से मिल गई है। द पीपल हु आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नेचर कैन लिसन द सॉन्ग संग बाय ल्यूसी सोल। जो रू, मतलब कुदरत को समझते हैं लोग, वो अभी भी ल्यूसी की आवाज़ गाने सुनेंगे वहाँ पे। बिकॉज हर सोल इज स्टिल अलाइव, क्योंकि उनका सोल जो अभी भी जिंदा है, रूह उनकी अभी भी जिंदा है। एट अकम्पनाइज द नेचुरल फीस्ट, और जो नेचुरल फीस्ट होते हैं, नेचुरल में मेले होते हैं, वो अभी भी, मतलब उनके साथ अकम्पनाइड है ल्यूसी का सोल। ये 2019 एंड 16 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, हाउ डिड ल्यूसी ग्रे मीट विथ ट्रेजिडी। ल्यूसी ग्रे को ट्रेजिडी, मतलब कैसे उनको इंतकाल हो गया ऐसे समझे। ये व्हाट हैपेंड टू द ल्यूसी ग्रे ऑन हर वे टू द टाउन, जब वो शहर जा रही थी तो उनके साथ क्या हुआ था। ये 2018 और 17 में ये क्वेश्चन आया है, और ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन चेंज किया गया है। 2012 और 2010 में आया है। ठीक है, तो 4 मरतबा ये क्वेश्चन आया है 10 ईयर्स में। ल्यूसी ग्रे लिव्ड इन वाइल्ड मूर विद हर पेरेंट्स। ल्यूसी ग्रे अपने वाइल्ड मूर में रहती थी अपने दोस्त पेरेंट्स के साथ। वन डे हर मदर वेंट टू द टाउन फॉर शॉपिंग, एक दिन उनकी माँ जाती है शॉपिंग करने के लिए। एज हर फादर वॉज बिजी इन वर्क, जैसे उनके अब्बू बिजी थे काम में, सो ही आस्क्ड हर टू गो विथ लैंटर्न टू फेच हर मदर बैग, कि भाई तूफान आने वाला है, आप लैंटर्न, मतलब लालटेन जो होती है वो आप लेकर जाएं और अपनी अम्मी को वापस लेकर आएं। शी ओबेड हर फादर एंड सेट आउट फॉर द टाउन, उन्होंने अपने अब्बू को, अबू के कहना माना और वो चली गई, मतलब अपनी अम्मी को लेने। एट द मिडल ऑफ द वे, मतलब रास्ते के बीच में, द अनएक्सपेक्टेड स्नो स्टॉर्म हेड कम, जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था बर्फ़ का तूफान वो आ गया। शी स्लिप्ड, वो स्लिप्ड हो गई बेचारी। एंड वेंडर्ड अराउंड, इधर उधर घूमने लगी चारों तरफ। एंड वेंट इन द वाइल्ड मूर, वो जो ब्रिज के नीचे गिर जाती है, मूर में चली जाती है। इन सच वे शी मेट विद द ट्रेजिडी, इस तरीके से वो ट्रेजिडी में, मतलब वो ऐसी ट्रेजिडी उनके साथ होती है। ठीक है, ये 2018, 17, 12 और 10 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये 2015 में आया है, मैं भूल गया हूँ लिखना। ठीक है, कराची बोर्ड वालों का। व्हाट इज द कॉमन बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट ल्यूसी ग्रे, ल्यूसी ग्रे के बारे में लोगों के क्या राय हैं। द कॉमन बिलीफ ऑफ पीपल अबाउट द ल्यूसी ग्रे इज दैट शी इज स्टिल अलाइव एंड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। आम लोगों के ये है राय है कि वो अभी भी जिंदा है और नेचर का हिस्सा बन चुकी है। शी सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड, वो अभी भी तन्हा गाने गाती है जो मतलब हवा की आवाज़ से, हवा की सीटी में मिल जाती है, वो हवा की आवाज़ से मिल जाती है। ठीक है,
अच्छा, हाउ डिड ल्यूसीज पेरेंट्स कम टू नो ऑफ हर ट्रेजिक डेथ, ल्यूसी के पेरेंट को कैसे पता चलता है कि वो मर जाती है, 2011 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। एज ल्यूसी ग्रे डिड नॉट रिटर्न अर्लियर फ्रॉम द टाउन, जैसे ल्यूसी ग्रे अर्लियर वापस नहीं आती है टाउन से, हर पेरेंट्स स्टार्टेड टू सर्च हर, उनके पेरेंट्स जो है उनको ढूंढना शुरू कर दिया। आफ्टर ट्रेसिंग हर फुटप्रिंट्स, उनके फुटप्रिंट्स देखते हुए, दे फाउंड द फुटप्रिंट्स इन द मिडल ऑफ अ ब्रोकन वुडन ब्रिज, वो देखते हैं कि बीच में जो ब्रोकन ब्रिज है, वुडन ब्रिज, वहाँ पे उनके फुटप्रिंट खत्म हो जाते हैं। दस हर फादर केम टू नो ऑफ हर ट्रेजिक डेथ बाय अ स्नोई स्टॉर्म, पता चल जाता है कि अब ल्यूसी ग्रे इस दुनिया में ना रही। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, अब एमसीक्यूज देख लें। द पोइम ल्यूसी ग्रे इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द डैश इज द पोइट ऑफ द नेचर इज, सॉरी ये इज नहीं, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, 2017 में एमसीक्यूज आया ये। द पोइम ल्यूसी ग्रे इज अ बैलेड है ये, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया है किसी साल में, लेकिन मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट ल्यूसी ग्रे हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ डैश नेचर, ये 2012 में भी आया है, 2011 भी आया है। अच्छा, ये भी लाजमी आया है किसी साल में, द पोएम ल्यूसी ग्रेस, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर, ओके। ल्यूसी ग्रे लिव्ड इन अ मूर, वाइल्ड मूर। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ वर डाइड इन 1850। वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शायर थे, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट जो ल्यूसी ग्रे के थे, मैंने आप लोगों से शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।